हेलो दोस्तों, कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, जो कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो मैं बता दूँ, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आदि और वासी, तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी। यह प्रचलन 9 अगस्त 1982 में आदिवासी दिवस मनाया गया था और तब से यह प्रचलन आज तक जारी है और आदिवासियों के द्वारा यह आयोजन किया जाता है कार्यक्रम को। तो आज यह कार्यक्रम बुढ़वा पीपर के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो आइए और ब्लॉग के माध्यम से आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं वहां का कुछ प्रोग्राम को, जो कि आदिवासी किस तरह से मनाते हैं। तो आप ब्लॉग पर बने रहिए और आइए चलते हैं। तालियां बजती रहने चाहिए भाई, ऐसे इंसान हमारे समाज के अंदर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, जो समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हो। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, तालियां एकदम बजनी चाहिए, ताली में कमी एकदम ना किया जाए। और तो आप इनको आम का एक पौधा देकर इनको सम्मानित करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे। बनवासी नहीं आदिवासी हैं, देश के मूल निवासी हैं। बनवासी नहीं आदिवासी हैं। सिद्धू कानू अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। इस विश्व आदिवासी दिवस पर समिति की ओर से हमें कुछ टिप्स दिया गया था, जिसके विषय में बोलना था। वो टिप्स इस प्रकार है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासी की स्थिति क्या है और सुधार किया जा सकता है कैसे। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि हम आदिवासियों का मूल निवासी तो जरूर हैं, झारखंड का ही नहीं पूरे विश्व का मूल निवासी तो जरूर हैं, पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। कारण ये 9 पॉइंट हैं जिसे हम समझ कर इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब आदिवासी के बीच में शिक्षा का भारी अभाव है। दूसरा अंधविश्वास, तीसरा नशापान, चौथा मानसिक रूप से हम सभी आदिवासी गुलाम हैं, और पांचवा तिलक एवं दहेज प्रथा, छठा धार्मिक मेल जोल का अभाव, एक दूसरे की कॉपरेशन की भावना, सातवें नंबर में एक दूसरे की कॉपरेशन की भावना की कमी, एवं आठवां राजनीति का हम सब आदिवासी भाई शिकार हो रहे हैं, और नवा जो अहम है सामाजिक एकजुटता संगठन का अभाव। और कितना प्रेरित होकर जितने भी युवा वर्ग हैं आगे बढ़े, ताकि आप अपना मूल अधिकार ग्रहण करें। और मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें, पहचानें, और विशेषकर युवा पीढ़ी आगे बढ़े। हमारे जो भी बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो तो चले गए, लेकिन इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जिम्मा हमारे युवा कंधों पर है। और जैसे अजय जी ने बहुत मेहनत किया, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मेरे अधिकारियों पास गए अजय जी, लेकिन वहाँ भी कैसे जातिवादता आ जाती है और उन्हें वहाँ से निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं बोला कि मेरे रहते हुए आप लोग कोई दिक्कत होने नहीं देगा, जितना सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा।
और वही सहयोग दिखाते हुए मैं आगे बढ़ा और आप लोग के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अजय जी का फिर से धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही जोर लगाया है। आप भी इनके साथ सहयोग करें और आदिवासी के हक के लिए आप भी आगे अपनी मांगों को लेकर बढ़ते चलें। जितनी भी मदद हो सब युवा मिलकर आदिवासी समाज के लिए करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर घर में जिस दिन अगर यह बेटी अगर आपका जन्म लिया उसी दिन सागवान हो शीशम हो 5 पौधा लगा दीजिए। निश्चित रूप से 18 साल जब तक बच्ची बढ़ेगी तो आपका पौधा भी बढ़ के तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से उस पौधा से अपना बच्ची को शादी कर सकते हैं। तो हम सभी को आज विश्व दिवस के शुभ अवसर पर सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोग की पौधा के अलावे भी अपने अपने खेत में प्रति वर्ष 5 से 10 पौधा हम लोग लगाएं, तभी आगे चल के हम लोग पर्यावरण से लड़ सकते हैं और आगे शिक्षा हो या विकास हो उस काम को कर सकते हैं। आज पढ़ो बढ़ो संघर्ष करो आगे बढ़ो। दोस्तों जैसा कि आज देख रहे हैं हमें आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे हमें ये पौधा वितरण किया गया है यहाँ के कमेटी द्वारा। और हमारे ये शीतल सिंह हुए जो कि आदिवासी का बहुत ही अहम कर्ता धर्ता हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप 2 शब्द रखें आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे। बोलिए। मेरा आप सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम हुआ चेरो शीतल सिंह निराला। आज हम सभी आदिवासी विश्व दिवस आदिवासी का मनाने का सुवा कोड़िया पंचायत बुढ़वा पीपर में एकत्रित हुए हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि हमारे आदिवासी एकत्रित हो करके ज़्यादा जल जंगल जमीन पर हम सभी आदिवासी का हक अधिकार है और हम लोग जो हैं कि पेड़ पौधा भी लगा करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मानर नगेड़ा लेकर के हम सभी आदिवासी महिला पुरुष जो है कि मिल करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल सिंह को जो कि आदिवासी से रिलेटेड हमें बहुत ही अच्छा जानकारी दिए। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय झारखंड।